बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से मेरे दोस्तों, मेरे मुशाहिदीन, इस वक्त की खास खबर है। जैसे आप लोग जानते हैं, कल ओमान सुप्रीम कमेटी के जरिए जो फैसला आया है, लॉकडाउन लगेगा रात का 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। तो इसके हवाले से जो चीज़ें कल खुली रहेंगी लॉकडाउन के दरमियान भी, तो उनकी पूरी तफसीलात बताई गई है कि 12 ऐसी चीज़ें जो कि लॉकडाउन के दरमियान भी खुली रहेंगी। और उनकी पूरी तफसीलात क्या है आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। ओमान सुप्रीम कमेटी के जरिए फैसला आया है कि जो सेहत के अहलकार है, जो सेहत के मुलाजमीन है, यानी कि जो डॉक्टर्स वगैरह हो गए, नर्सेज वगैरह हो गए, उनकी जो ट्रांसपोर्ट है वो चलती रहेगी, यानी कि वो गाड़ियों वगैरह में सफर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि बिजली की मेंटेनेंस, पानी की मेंटेनेंस वाले, यानी कि जो ये तवारी वाली जो गाड़ियां हैं वो तमाम चलती रहेंगी। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि निजी अस्पताल यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो तमाम ओपन रहेंगे। चौथे नंबर पर आप लोग देख सकते हैं, वजारत सेहत के जो मुलाजमीन है जो नाइट ड्यूटी देते हैं वो भी तमाम अपनी ड्यूटीज वगैरह पे जा सकते हैं। पांचवें नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, जो सफर करना चाहते हैं आप लोगों के बहुत ज्यादा सवालात आते हैं, यानी कि बंदरगाहों के जरिए या एयरपोर्ट्स के जरिए जो भी अपना सफर करना चाहते हैं वो अपने सफर कर सकते हैं, वो अपने सफर के लिए एयरपोर्ट्स पे या बंदरगाहों पे जा सकते हैं। छठे नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, हर किस्म के ट्रक, यानी कि ट्रक उन्होंने बताया जो कि 3 टनी से ऊपर के जितने भी जो ट्रक्स हैं, यानी कि ये नहीं कि आप पिकअप वगैरह लेके आप लोग निकल जाएं, 3 टनी से जो ऊपर के जो ट्रक्स हैं वो तमाम सल्तनत ऑफ ओमान की रोड्स के ऊपर सफर कर सकते हैं। सातवें नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, पानी वाले टैंकर और इसके अलावा जो मजारी वाले ये जो गंदे पानी के जो टैंकर हैं वो तमाम ओपन रहेंगे। आठवें नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, फैक्ट्रियों में नाइट जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं वो अपना काम कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्रियों के अंदर ही रहकर काम कर सकते हैं। नौवें नंबर पर आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि फैक्ट्रियां और स्टोरों में लोडिंग और अनलोडिंग के काम करने वाले मुलाजमीन वो अंदर रह के काम कर सकते हैं। 10वें नंबर पे जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करने वाले लोग हैं वो तमाम काम कर सकते हैं। 11वें नंबर पे उन्होंने बताया, ऑयल फील्ड्स यानी कि जो पेट्रोल पंप वगैरह, जो ऑयल के तमाम मामलात वाले जो फील स्टेशन वगैरह वो तमाम ओपन रहेंगे। 12वें नंबर पर आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि प्रेस और मीडिया की तंजीमों वाली जो टीमें हैं उनकी भी जो आमदोरफ्त है या उनके भी जो तमाम काम है वो ओपन रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ओमान सुप्रीम कमेटी के जरिए ये तमाम 12 चीज़ें बताई गई हैं कि लॉकडाउन के दरमियान ये चीज़ें ओपन रहेंगी। तो ये तमाम इस वक्त की खास अपडेट्स थी। इंशाल्लाह जैसे और भी अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। फजल अजीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।